एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो जी, आज मैं लेकर आई हूँ एक और मीशो होम डेकोर हॉल। एक्चुअली ये मीशो आप होम डेकोर फाइंड से कह सकते हो, जो कि आप लोगों को देखना सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे चैनल पे, वही मैं लेके आई हूँ। एंड हाँ, एक दो चीज़ें रैंडम भी हैं, होम डेकोर से हटके भी हैं एज़ यूजुअल, तो वो भी इस हॉल में मैं इंक्लूड कर दूंगी। सारी प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यस, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने इस बार ली हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या परचेज करा है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉच। ओके जी, तो सबसे पहले जो मेरा मोस्ट फेवरेट आइटम है ऑफ दिस हॉल, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो ये है 360 डिग्री रोटेटिंग मेकअप ब्रश ऑर्गेनाइजर। एंड इस चीज़ की खुराक में मैं ना जाने कब से थी। सो बेसिकली ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया था। इसमें आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना हुआ है। एंड ओ माई गॉड, द क्वालिटी इज सुपर्ब एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हो। इसमें से मेरे ब्रशेज भी हैं। सो इसमें मैंने मेरे पर्सनल ब्रशेज रखे हुए हैं। जो मेरे क्लाइंट के ब्रशेज हैं उन्हें तो मैं अलग ही रखती हूँ मेरे ब्रशेज से, बट उससे क्या हो रहा था कि मेरे ब्रशेज बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा डस्ट कैच कर लेते हैं। तो भाई मैं चाहती थी, एक्चुअली मैं एक ब्रश होल्डर देखना ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से, और मैंने जाके पता भी करा था। जो मेरे नियर बाय स्टोर्स हैं वहाँ पे वो लोग पैक के ब्रश होल्डर्स दे रहे थे, एंड लाइक 800-900,000 रुपीज़ का वो ब्रश होल्डर दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड। प्लस वो कुछ मतलब एस्थेटिक भी नहीं था। ये देखो, ये कितना ज़्यादा एस्थेटिक भी लग रहा है। लाइक इसको आप अगर अपनी वैनिटी पे भी रखोगे, ये चार चांद लगा देगा। प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यस, ये इस तरीके से 360 डिग्री रोटेट होता है, तो ये पूरा रोटेट होता है। इधर पे इन्होंने आई डोंट नो पीछे ये टेप भी दी हुई है इस तरीके से, आई डोंट नो क्यों, बट हाँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोटेट हो जाता है। और अभी मैं ना मेकअप कर रही थी, तो मेकअप करते करते इस पर थोड़े से लिपस्टिक वगैरह के दाग भी लग गए। सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि वाइट है। ऑल्दो ये अच्छे से लाइक नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह से अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो मेरे कितने सारे मैंने ब्रशेज रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। ऑल्दो इसमें अभी और भी आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी इसमें क्वान्टिटी भी आ जाएगी आपके ब्रशेज़ की। प्लस आपके ब्रशेज डस्ट फ्री भी रहेंगे और सुंदर भी लगेंगे, एस्थेटिक भी लगेगा। सो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। और इसकी प्राइस की बात करूँ, सो ये मुझे मिला है 311 रुपीज़ का। 311 रुपीज़ में बहुत सुंदर है, बहुत स्टील डील है। जस्ट गो एंड ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी, एंड वो फाइनली अब मेरे हाथों में है। सो ये है NN ग्लोब आर्टिफिशियल पाम प्लांट। देखो मेरे यहाँ तो भाई बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, आप लोगों को पता ही होगा मेरी मम्मी को गार्डनिंग का कितना ज़्यादा शौक है। तो मेरे आपको हर टाइप का प्लांट मिल जाएगा, कुछ भी आप जो भी बोलोगे वो आपको मिल जाएगा। मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है, बट ये मुझे चाहिए था क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी इजी टू यूज़ होते हैं, स्पेशली होम डेकोर में आप उसको कहीं भी रख सकते हो। तो मैंने मंगाया ये पाम प्लांट, और ये अभी देखने में आपको ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, बट ये पूरा ऐसे इस तरीके से कुछ ओपन हो जाता है। तो इसको आप अपनी तरीके से लाइक अपने हिसाब से आप इसको जितना फैलाना चाहो फैला सकते हो, और क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ऑल्दो पिक्चर में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि नीचे छोटा सा एक यू नो कुछ वुड टाइप का लगा हुआ है, तो मैंने वो एक्सपेक्ट करा था कि इसके साथ आएगा, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू एनी विच वेज। मैं जिस प्लांटर में इसको लगाने वाली हूँ उसमें मैं सॉइल भर सकती हूँ या सैंड भर सकती हूँ, एंड देन मैं इसको उसमें डाल सकती हूँ, तो ये ईजिली उसमें यू नो लग जाएगा। तो ओवरऑल भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली फॉर द प्राइस, क्योंकि ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 222 रुपीज़ में। एंड 222 रुपीज़ में तो यार भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है। अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। ओके जी, सो नेक्स्ट जो मैंने परचेज करा है ना, वो भी मुझे लगता है कि भाई बहुत ही अच्छी डील में मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं। तो मैंने बेसिकली मंगाए सेट ऑफ 5 कुशन्स, यस, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं क्वालिटी में। इधर पे मेरे पास अभी फिलहाल 3 हैं, 2 इसमें से ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे कुशन कवर्स। सो ये स्क्वायर शेप में है, और इसके जो डायमेंशंस हैं वो है 16x16, तो मुझे 16x16 के ही कुशन चाहिए थे वैसे भी। तो यस, इनकी जो क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली फॉर द प्राइस दैट आई हैव पेड। आई हैव जस्ट पेड लाइक 344 रुपीज़ फॉर सेट ऑफ 5 कुशन्स, तो आप समझ ही सकते हो भाई कितना अफोर्डेबल है। प्लस उसमें से 2 कुशन्स मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, इस पर मैंने कवर्स भी चढ़ा दिए, और देख सकते हो कितने प्यारे कुशन कवर्स हैं। ये मैक्रम वाले कुशन कवर्स हैं, और ये भी मुझे कब से चाहिए थे। तो ये इस हॉल का पार्ट नहीं है, ये मैंने किसी और वेबसाइट से लिए हैं। सो उसका हॉल भी जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट अभी के लिए आप कुशन्स देखो कितनी 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 ज़्यादा प्यारी हैं, एंड 344 रुपीज़ में 5 क्वेश्चंस भाई लाजवाब है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने मंगाई है वो इधर है। सो ये मैंने मंगाई है मॉन्स्टेरा लीव्स, और ये मुझे ना जाने कब से चाहिए थी, लाइक कब से। सो ये बहुत ही प्यारी लगती हैं वॉल लाइक होम डेकोर में, आप इसको किसी वेस में वास वगैरह में रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड जस्ट लुक एट द लीव्स, कितनी ज़्यादा रियल लग रही है, लाइक आर्टिफिशियल लगने के इसके चांसेस बहुत ही कम है। मुझे तो भाई बहुत ही अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये आपको 6 के सेट में मिल जाती है कुछ इस तरीके से, एंड
ट्रस्ट मी, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, आप खुद ही देख सकते हो। और इसको जब आप लगाओगे कहीं भी, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बहुत ही प्यारी लगेंगी। अगेन इनको भी आप थोड़ा बेंड कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड यू नो कुछ इस तरीके से आप इसको डेकोर कर सकते हो। आई थिंक ये भी बहुत ही अच्छी स्टील डील में मुझे मिली थी, सिर्फ और सिर्फ 143 रुपीज़ में मुझे 5 मिल गई थी। तो आई थिंक बहुत ही बहुत 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 ही ज़्यादा स्टील डील है, प्लस क्वालिटी भी बहुत ही सुपर। नेक्स्ट मैंने मंगाया मेडिटेशन बुद्धा मूर्ति फॉर होम डेकोर। ये भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। सो ये मैंने बुद्धा जी का एक स्टैचू मंगाया है, या मूर्ति कह सकते हो, एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और पीसफुल लग रहा है। सो जस्ट लुक एट इट, कितना ज़्यादा प्यारा है। एक तो ये प्रॉपर वाइट कलर में है, ऊपर से यार बुद्धा जी इज़ द सिंबल ऑफ पीस। फुल वाइट कलर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगता है, और ये आपके मतलब आप कहीं पे भी रखोगे ना, आपके होम डेकोर में अच्छा ही लगेगा। अगर आपके घर में शेल्व्स हैं, कैबिनेट्स, वहाँ पे आप इसको रखो। एक तो वैसे ही पॉजिटिविटी का साइन होता है और पीसफुलनेस का साइन होता है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस जो इसकी क्वालिटी है ना, वो भी बहुत अच्छी है। एंड द प्राइस, ओ माय गॉड, आई गॉट दिस जस्ट फॉर 119 रुपीज़, और 119 रुपीज़ में तो भाई क्या ही स्टील डील है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब चीप सा है, अगर 100 रुपये का है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, आप देख ही सकते हो पास से, बहुत बहुत बहुत। नेक्स्ट मैंने मंगाया ये एप्पल शेप गार्डनिंग प्लांटर फ्लावर वेसेस फॉर होम, और ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। सो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया है, और ये इस तरीके से प्लांटर आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये हाँ, इसमें थोड़ा एप्पल का शेप है अगर आप देखो ध्यान से तो, और ये बहुत ही प्यारा है, गोल्डन एनी विच वेज, लुक्स वेरी क्लासी। और इसके अंदर आप भी अगेन आप कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हो, इसमें सॉइल वगैरह डाल के, लिटरली मैं इसमें भी इसको लगा सकती हूँ, बट ये उतना प्यारा नहीं लगेगा, आई नो दैट। इसमें आई थिंक वो मॉन्स्टेरा लीव्स काफ़ी अच्छी लगेंगी अगर मैं सॉइल डाल के लगाऊंगी तो। प्लस इसके साथ ना आपको कुछ इस तरीके से स्टैंड भी मिल जाता है, एंड ये स्टैंड कुछ इस तरीके से, तो ये स्टैंड में लगने के बाद कुछ ऐसा लगता है। सो अगेन आप इसको यू नो किसी टेबल वगैरह पे रख सकते हो, लाइक जो छोटे से टेबल्स होते हैं, कॉफ़ी टेबल्स वगैरह, उस पर आप इसको डेकोर कर सकते हो। इसको सेंटर टेबल वगैरह में रख सकते हो। ऑल दो जो मुझे इसके साथ स्टैंड रिसीव हुआ है वो ब्लैक कलर का हुआ है, बट पिक्चर में गोल्डन दिख रहा था, तो ये छोटी सी चीज़ें खो गई, बट ठीक है, एनी विच वेज अच्छा ही लग रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा विद एनी प्लांट इन इट। इसके बाद इस पैकेजिंग में मैंने एक बहुत ही सुंदर सी क्लॉक मंगाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यूनिक और डिफरेंट लगी। तो ये ना काफ़ी अच्छे से पैक होके आई थी, खुल जा भाई। हाँ, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से पैकिंग होके आ रही है यार मीशो की। कुडोज टू मीशो फॉर द पैकेजिंग दैट दे आर डूइंग। एंड ये वॉल कुछ इस तरीके से, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी। अभी तो आपको खैर उल्टा दिख रहा होगा, बट हाँ 12, 3, 6, 9 इस तरीके से इसमें टाइमिंग है, और पीछे आपको इसमें बैटरी डालनी होगी। ये दिखने में वुडन है, बट दिस इज़ नॉट वुडन, ये MDF मटीरियल है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला मटीरियल है। और आप देख ही सकते हो ये वॉल पे लगी हुई कितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो अगर आपका भी एस्थेटिक कुछ ब्राउन्स और बेजेस वगैरह में है, देन यू कैन गो फॉर दिस। मेरे आई थिंक मैं ड्राॅइंग रूम में इसको लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी लगी। आई तो टोटली लव्ड इट। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि फटाक से मैं इसमें यू नो सेल डालूँ और फिर इसको मैं ओपन करूँ। और भाई इसकी प्राइस जान के अगेन यू विल बी शॉक, बिकॉज इट इज़ 235 रुपीज, एंड 235 रुपीज में आई थिंक बहुत ही ज्यादा शानदार वॉल क्लॉक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये मैं ऑलरेडी भी पहले मंगा चुकी हूँ, जो मेरा एक मीशो होम डेकोर वाला हॉल काफी ज्यादा वायरल हुआ है, उसमें मैंने ये चीज शो करी थी। तो वो ना मेरी एक फ्रेंड को इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी, वो एक बार मेरे घर आई थी ऐसे ही, मैं उसे सामान दिखा रही थी अपना होम डेकोर का, और वो उसे इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने वो रख ली। और अभी मुझे ये एक और बेटर डील में मिला, लाइक मुझे वो मैंने सेट ऑफ 8 लिया था, आई थिंक कुछ 140 या 150 रुपीज में, सॉरी सेट ऑफ 4 लिया था 150 रुपीज में, और ये मुझे सेट ऑफ 8 मिला है इन जस्ट लाइक 168 रुपीज, और ये बहुत ही अच्छा है। ऑल दो जो मैंने इससे पहले लिया था वो ब्राउन कलर में था, और ये ब्लैक कलर में है, तो ये कुछ इस तरीके से है, और इसमें आपको इस तरीके से इसको लगाना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको फिक्स कर दिया, अब आप इसको वॉल पे कहीं पे भी लगा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसमें इस तरीके के ये प्लांटर्स छोटे छोटे रख सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कि ये वॉल पे लगाने के बाद कितने सुंदर लगते हैं। जब आप इसको एक डिज़ाइन में लगाते हो, एक सिमेट्री में लगाते हो, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड इनकी क्वालिटी इज़ लाइक ओके ओके, आई वॉन्ट से कि बहुत बेस्ट क्वालिटी, और बहुत बेस्ट आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 8 पीसेज मिल रहे हैं इन जस्ट 168 रुपीज़। एंड अभी कुल्फी वाले भैया आए हुए हैं बाहर, इसलिए आपको 10-10 की आवाज़ आ रही होगी। बाय द वे समर्स आर हेयर, और गर्मी से ना मेरा अभी से हाल बेहाल हो रहा है। मैंने सारे फैंस वगैरह ऑफ करके रखे, क्योंकि शूट करते वक्त भैया फ़ैन नहीं चला सकते हो, अदरवाइज बहुत वॉइस आती है। तो यार इसी एफर्ट के लिए एक लाइक ठोक दो, क्योंकि गर्मी में बैठ के मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से है, और इसकी क्वालिटी लाइक डिसेंट है, MDF मटीरियल है, ये दिखने में वुडन है बट ये MDF है, और हाँ काफ़ी स्टर्डी है। लाइक ये जो मैंने आपको छोटा सा प्लांटर दिखाया, इसका वेट तो ये सही लेगा। बाकी आप इसमें है ना, इधर पर आपको दो आप इसमें नेल्स लगा सकते हो, अदरवाइज आप डबल साइडेड टेप से भी इसको लगा दोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं वॉल पे, और काफ़ी
अच्छे से लॉन्ग लास्ट भी करते हैं। तो मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ इसको अपने टेरिस गार्डन पे इसका डेकोर करूँ, बहुत अच्छा लगे। ओके, उसके बाद ना मैंने ये टमी टकर मंगाया था, तो अभी मेरा बर्थडे था रिसेंटली, तो मैंने एक ड्रेस पहनी थी उसके अंदर पहनने के लिए मैंने उसको मंगाया था, ऑल्दो उसमें मेरा ज्यादा टमी विजिबल नहीं हो रहा था तो फिर मैंने नहीं पहना था बाद, बट हाँ मेरा थोड़ा बहुत टमी है तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। एंड ये टमी टकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये, लाइक ये दिखने में काफ़ी छोटा सा है बट ये काफ़ी अच्छे से मुझे फिट हो गया और जो इसका काम है वो इसने फुलफिल करा, तो मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपका बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ है और उसको एकदम से यू नो कंप्रेस कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा हुआ भी तो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट इसके साथ मुझे कुछ भी अनकंफर्टिंग फील नहीं हुआ और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और हाँ, थोड़ी बहुत बल्जिंग इसने हटा दी थी, सो आई रियली लाइक इट। और ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 144 रुपीज़ का, 144 रुपीज़ के हिसाब से बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है, जो पर्पज़ था वो इसने फुलफ़िल कर। उसके बाद मैंने मंगाई एक बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट कुर्ती। शॉर्ट कुर्तीज़ आजकल इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, मीशो की रील्स पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टा पे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने एक ये मंगा ली मेरे लिए और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। प्लस गाइज ये पहनने के बाद इतनी कम्फर्टेबल लग रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो ये कुछ इस तरीके से, इसमें आपको एक ऐसा वी नेक मिल जाता है, इसका नेक काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और इसकी 3/4 स्लीव्स मिल जाती है। इसमें जो प्रिंट है ना वो मुझे काफ़ी प्यारा लगा, इंडिगो प्रिंट है और ये मैंने थोड़ा लूज़ मंगाया है, एल साइज़ में मंगाया है और ये मुझे थोड़ा लूज़ आ रहा है। और ऐसी शॉर्ट कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी लूज़ ही अच्छी लगती है। एंड समर्स के लिए तो यार ये बेस्ट है, बेस्ट 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 है, मतलब इतनी गर्मी में कुछ भी पहनने का मन नहीं होता, इसलिए अभी भी मैंने ओवर साइज़ टी शर्ट पहन के मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि गर्मी में भाई नहीं झिलाया जाता, जो मर्जी कह लो आप नहीं पहन सकते हो वो यू नो फिटेड टॉप्स एंड टी शर्ट्स नहीं पहन सकते हो, ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती है। और ये काफ़ी ज़्यादा एयरी और ब्रीजी और कंफर्टेबल भी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। प्लस इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा, और बेस्ट पार्ट इसकी इसका नेक जो है ना वो वी है और मुझे वी नेकलाइंस बहुत पसंद है। एंड ये मुझे मिला है 252 रुपीज़ में, यस सिर्फ और सिर्फ 252 रुपीज़। और अब मैं सोच रही हूँ मीशो से और भी शॉर्ट कुर्तीज़ मंगाऊँ और इनका एक डेडिकेटेड हॉल बनाऊँ, ऑल्दो पता नहीं क्यों क्लोथिंग हॉल उतना लोग देख नहीं रहे हैं तो इसलिए मैं लाती नहीं हूँ, बट अगर मुझे दो चार कमेंट्स भी आ जाएंगे ना इस वीडियो पे तो भी मैं ले आऊँगी शॉर्ट कुर्ती हॉल, और अगर नहीं भी आए तो भी ले आऊँगी। फिर मैंने मंगाए थे टॉम कंफर्ट कॉटन कुशन कवर्स और ये मैंने इस डिज़ाइन में मंगाए थे, बट मुझे रिसीव क्या हुआ है आप देख लो। तो यस, मैंने मंगाया कुछ और था, मुझे रिसीव कुछ और हुआ है। और ये वाले जो मुझे रिसीव हुए हैं ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन इनका प्रिंट एंड ऑल अच्छा नहीं लगा मुझे, कैसे दिखाऊँ आपको। तो हाँ, ये इसका बैक से है और फ्रंट से कुछ इस तरीके से है, तो मुझे इनका प्रिंट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लाइक आप देख सकते हो कितने अजीब अजीब से इसमें प्रिंट दिए हुए हैं। जो भाई मैंने मंगाया था वो तो मुझे मिला नहीं, ऑल्दो गाइज जो मैंने कुशन्स आपको दिखाई ना अभी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रिंट है, पीछे से ऐसा है, जबकि आगे होना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है इनके ये मिस प्रिंट वाले इन्होंने मुझे सेंड कर दिए हैं। तो हाँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसकी प्राइस थी 146 रुपीज़, तो सस्ते के चक्कर में इन्होंने कुछ भी पकड़ा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात। ओके, उसके बाद मैंने मंगाया था ये, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो ये मैंने मंगाया था सोफ़ा कवर। और हाँ, ये जो मैंने मंगाया था वही आया है, बट अभी मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है जब इन रियलिटी मैं इसको देख रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, ऑल्दो क्वालिटी एंड ऑल इज़ नाइस, मतलब जैसी इमेज दिख रही थी वैसा ही रिसीव हुआ है, बट अब मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो इमेजेस की आपको दिखी रही होगी और ये बिल्कुल वैसा ही आया है। इसको ये एक्चुअली पूरा फुल आया है, उसको आपको काटना पड़ेगा, काट काट के फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने दो सोफ़ा कवर्स में, लाइक अपने दो सोफ़ाज़ में, और एक फुल जो 3-सीटर सोफ़ा होता है उसके लिए है। और अभी आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया, तो पता नहीं मैं इसकी लिंक भी दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। एंड हाँ गाइज, एक चीज़ और कि मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स ट्राई करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना, बट कभी कभार क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो उनकी लिंक्स नहीं आ पाती। इस हॉल में से किसी की प्रोडक्ट की लिंक नहीं दिख रही है, सो दैट्स बिकॉज कि वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए ही नहीं दिख रही है। अदरवाइज आई ट्राई कि मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो यस गाइज, आज के हॉल के लिए इतना ही। मेरा फेवरेट तो इस हॉल का वो ही है, मेकअप ब्रश ऑर्गेनाइजर मुझे बेस्ट लगा, और भी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, जैसे कि ये वॉल क्लॉक, ओ माय गॉड, ये भी इतनी ज़्यादा सुंदर और मतलब यूनिक लगी मुझे। तो ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें गाइज मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।